कहता हूं कि शायद मैं खेला नहीं खेला, लेकिन मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट स्पेल मैंने जो आई विटनेस लाइफ देखा है ना मैच, वो देखा है मोहम्मद आमिर का भाई फाइनल वाला यार। मतलब रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली सारे टॉप फॉर्म में थे प्लेयर, और कमाल की उसने बॉलिंग की बंदे ने। मैं कहता हूं कि मैं ये गम भूल गया कि यार मैं फाइनल नहीं खेला। वाह, रीजन कि यार उसकी बॉलिंग देखने का जो नशा था ना उस वक्त, लाइव बैठ के मैं, अहमद शहजाद, फहीम अशरफ, हम तीनों बैठे थे डगआउट में, और इत्तेफाक से बैठे भी ऐसी जगह थे कि सेंटर ऑफ द विकेट पे मैच था, डगआउट पे हम यहाँ बैठे थे, तो उसका स्विंग ये वो हर चीज दिख रही थी, नशा आ रहा था देखने। इवन सैफी भाई भी ये बोल के गए कि मेरी जिंदगी का सबसे फाइनेस्ट स्पेल। टू बी बिल्कुल जेन्युइन बात है, अगर सरफराज भाई विकेट के पीछे खड़े होने वाला बंदा ये बात कह रहा तो हम तो फिर बाहर बैठे थे, हम तो आई विटनेस है ना कि हमें लाइव देखा उस। वाह वाह, तो क्या कमाल बॉलिंग की उस दिन मोहम्मद आमिर ने, मैं कहता हूँ ब्रिलियंट। तो फिर उसके बाद आपको पता है, लेकिन मैं ये बताऊं आपको, वो जो एक ग्राउंड का एनवायरनमेंट था ना फाइनल फाइनल वाले, जब हमने 335 कर भी दिए नादिर भाई, 335 पे भी इंडियन बैटिंग लाइनअप या कैपेबल थी कि वो कर, हाँ कैपेबल थी कि वो कर सकती थी। और दूसरा, पाकिस्तानी क्राउड तो कोई नजर ही नहीं आ रहा था, नीला हुआ हुआ था सब ब्लू, लेकिन जैसी आमिर ने पहले रोहित को आउट किया, फिर कोहली को आउट किया, उसके बाद फिर धोनी को, उसको शिखर धवन को आउट किया, ऐसे स्प्रेड हुआ है ब्लू से ग्रीन में सारा कुछ। क्योंकि उनकी मेन कोर है ना, वो तीन मेन प्लेयर थे जो रन कर रहे थे, और ऑडियंस जाना शुरू, और ऑडियंस ने रास्ता पलटा अपना कि भाई निकलो बस यार यहां से, क्योंकि बहुत अब जलालत होने वाली है। सही है। और उसके बाद जो नारे सुनने में आए पीछे पाकिस्तानियों के, कमाल, ओ भाई, फिर तो वो जो मॉल बना है। लेकिन उसके बाद बीच में जब एक हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप लगी भी जडेजा के साथ, लेकिन मैच बहुत दूर था, मैच बहुत दूर था उस वक्त।